Hi friend, welcome to the company law update. MCA issued a notification on the 8th April 2022 amending the company's incorporation rules 2014. The amendment called Companies Incorporation Amendment Rules 2022. By this amendment, a new proviso under Rule 12 shall be inserted. By this proviso, it is said that the company incorporated as a Nidhi company. A declaration by the central government under section 406 of the act shall be obtained by the Nidhi before commencing the business. And a declaration in this behalf shall be submitted at the stage of incorporation by the company. So, incorporation ke samay aapko ek declaration submit karna hai. और जब इनकॉर्पोरेशन के बाद जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करना है तो उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से एक आपको डिक्लेरेशन लेना है. तो यहाँ पर डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है INC 20A यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है. तो डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसमें आप देख सकते हैं नॉर्मली आपको इसमें इंसर्ट करना है सीन नंबर, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर ऑफिस, ईमेल आईडी. उसके बाद वेदर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय एनी सेक्टरल रेगुलेटर, तो यस नो करना है. उसके बाद स्पेसिफाई द नेम ऑफ द रेगुलेटर और लेटर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अप्रूवल अंडर सेक्शन 406 एंड डेट ऑफ द अप्रूवल रजिस्ट्रेशन एज द केस में भी, तो अगर कुछ है तो यहाँ पर इंस्टर करना है. उसके बाद सब्सक्राइबर प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर वैल्यू ऑफ द शेयर, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाई द RBI इन केस ऑफ द NBFC या फ्रॉम अदर रेगुलेटर, नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन एज ए निधि कंपनी और अदर अटैचमेंट. उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन कॉलम में आप देख रहे हैं, डिक्लेरेशन कॉलम में यहाँ पर दो स्पेसिफिक चीज है कि एवरी सब्सक्राइबर टू द MO हैज पेड द वैल्यू फॉर द शेयर एग्रीड टू बी टेकन बाय एंड द कंपनी हैज फाइल विद द ROC ए वेरिफिकेशन ऑफ इट रजिस्टर ऑफिस एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12. तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म में है आपके. उसके बाद जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है इसमें, जिसमें प्रोफेशनली प्रोफेशनल सर्टिफाई कर सकते हैं, इसमें सर्टिफाई करना होगा उनको. और इसके बाद एक यहाँ पर इनफॉर्म INC 32 जो इनकॉर्पोरेशन उसमें फाइल करेंगे, उसमें पार्ट बी इन डिक्लेरेशन द फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड एट द एंड. उसमें एक डिक्लेरेशन इंसर्ट किया गया इसके रिगार्डिंग कि आई फर्दर डिक्लेयर दैट द कंपनी शैल नॉट कमेंस द बिजनेस ऑफ निधि अनलेस ऑल द रिक्वायर्ड अप्रूवल इंक्लूडिंग द डिक्लेरेशन टू बी इशूड अंडर सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये यहाँ पर डिक्लेरेशन जो है आपको एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी आपको देना है और अलग से नहीं देना, इस फॉर्म में ही इनबिल्ट है वो. इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म INC 20A में आपको देना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट.